हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में ग्रामीण सड़कों की हालत भी काफी खस्ता हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर बरसात के कारण कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। वहीं पर बरसात के कारण नालों में भी पानी तेज होने के कारण कई बार बच्चे स्कूल जाने से महरूम हो जाते हैं। हालांकि इन संपर्क सड़कों पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है। छोटे छोटे बच्चों का कहना है कि स्कूल जाते समय जहां पर कीचड़ के कारण उनकी वर्दियां खराब होती हैं, वहीं पर कई बार फिसलने से चोट भी लग जाती है। हालांकि अभी भी बरसात का मौसम है और मौसम विभाग के अनुसार अभी भी आने वाले दो दिनों तक बरसात होने वाली है। वहीं गांव के लोग भी परेशान हैं। बिमला देवी प्रधान, खरंडी प्रधान, ग्राम सुधार समिति नंद किशोर प्रधान, युवक मंडल ब्लेड नरेश कुमार, कृष्ण स्वरूप और नंदलाल प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें इस परेशानी से छुटकारा दिलाया जाए और ग्रामीण सड़कों को भी पक्का करने की कवायद शुरू की जाए। इन लोगों का कहना है कि आजादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी लोगों को आज भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जो सड़कें हैं वह 10 से 12 किलोमीटर कच्ची हैं। बरसात के दिनों में अधिक बारिश होने के कारण टूट गई हैं और स्लाइड के कारण दलदल आने के कारण उन पर चलना भी खतरे से खाली नहीं है। गांव में अगर आजकल कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल पहुंचाना जोखिम भरा होता है। चारपाई के सहारे कीचड़ में भरे रास्ते से चार आदमी उठाकर अस्पताल तक रोगी को पहुंचाते हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में समय पर उपचार न मिलने से दो तीन लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले कई वर्षों से ग्रामीण इन क्षेत्रों में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने और सड़क पक्का करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार स्थानीय नेताओं ने आज तक कोई भी ध्यान इस ओर नहीं दिया, जिस कारण गांव की गरीब जनता परेशान है। हमें कच्चे रास्तों से आकर जाना पड़ता है। कभी कभार हम स्कूल भी नहीं जा पाते और हमारी वर्दी भी खराब हो जाती है और हमें स्कूल नहीं जाना पड़ता है। यहाँ तक कि यहाँ तीन चार आदमियों की मौत भी हो चुकी है। बिन सड़क हम जा नहीं सकते।